दोस्तों एक हमारे पास समस्या आई है जो बहुत ही अजीब तरह की है। तो ये मेरे पास बाइक आई थी, देखिए इसकी बैटरी बिल्कुल फुली चार्ज है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो इसमें दिक्कत क्या है, देखिए बहुत ही अजीब सी दिक्कत है। देखिए इसका न्यूट्रल लाइट भी आ रहा है और जैसे ही मैं सेल्फ मारता हूँ तो इसका सेल्फ जो है फ्री जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल इसका सेल्फ जो है फ्री जा रहा है। अब दिक्कत कहाँ पे, देखिए मैं भी इसमें कन्फ्यूजन में पड़ गया था थोड़ा कि यार कहाँ पे दिक्कत आ गई इसमें। तो मैंने सेल्फ भी चेक किया, इसकी जो क्लच अपना सेल्फ का जो क्लच होता है जिसमें गोली वगैरह होती हैं जो एकदम घुमाती हैं इसको इंजन को, तो मैंने वो भी चेक की, बिल्कुल सही थी। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास मल्टीमीटर है तो इसको मैं सेट कर रहा हूँ। देखिए देखिए मान लीजिए मैंने इसको वोल्टेज पे सेट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज पे मैंने इसको सेट कर लिया और ये फंक्शन से मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है। अब ये ज़ीरो हो गया तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा लगा लेता हूँ, मैं अकेला हूँ एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा -0.02 आ रहा है। देखिए तो ये मेरे पास जो इसकी वायर है, देखिए दो वायर है इसकी, एक ये है पॉजिटिव की, ये ब्लैक है नेगेटिव की। देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा पॉजिटिव लिखा हुआ, और जैसे ही मैं इसको पॉजिटिव पे लगाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं नेगेटिव पे देता हूँ, ये नेगेटिव पे दिया और ये पॉजिटिव पे दिया, तो देखिए यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर क्या शो करने लगा, -8.3.9, ठीक है। और जैसे ही हम इसको उल्टा लगाते हैं, देखिए ये मैंने नेगेटिव की तरफ लगा दिया और रेड जो है, ठीक है, एक मिनट भाई एक हाथ से वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे। ये देखिए इसको मैंने नेगेटिव में दिया, पॉजिटिव में दिया, सॉरी नेगेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को नेगेटिव में, तो हमारा वोल्ट मल्टीमीटर क्या शो करने लगा, 08.028। अब कई भाई बोलेंगे आपने वायर को उल्टा लगाई होगी, देखिए यहाँ पे हमें कॉमन वायर है हमारी और ये पॉजिटिव की है यहाँ पे भी, ठीक है, तो 8.24 के पास ये बता रहा है। इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, इसकी जो बैटरी है ना ये उल्ट चार्ज हो गई है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना है ये कि बैटरी उल्ट चार्ज हो गई भाई, ठीक है, जिधर इसका नेगेटिव है उधर पॉजिटिव है, जिधर पॉजिटिव है उसका नेगेटिव है। तो इसका मैं आपको एक और मैथड करके दिखाता हूँ, मैं आपको बैटरी पे LED लाइट जो हमारी होती है तो मैं उसको चेक करके आपको बताऊँगा कि कैसे ये चलती है। देखिए तो देखिए दोस्तों मैंने एक LED ली है। LED का क्या सिस्टम होता है कि अगर इसको पॉजिटिव या नेगेटिव लगाओगे तो ये चलेगी नहीं, ठीक है। तो मैं अगर इसको आप पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव लगाओगे ये तभी काम करेगी, तभी ये जगेगी, वरना ये चलेगी नहीं। तो मैं इस पर भी आपको यूज करके दिखाता हूँ। देखिए तो इसमें क्या है, देखिए दो वायर हैं इसमें। तो दोस्तों देखिए मैंने सेम एक बैटरी ले ली छोटी, इसमें देखिए जैसे ही मैं बार को अटैच करूँगा, देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये देखिए हमारी LED जो है वो जगी, ठीक है, LED जगी। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए पॉजिटिव में पॉजिटिव नेगेटिव, और यही सेम वायर अगर हम ऐसे ही लेके जाते हैं यहाँ पे तो देखिए ये नहीं जगेगी। थोड़ा माफ़ी चाहते हैं भाई, एक हाथ से वीडियो बनानी पड़ रही है मेरे को, तो देखिए ये नहीं चल रही है, ठीक है। और जैसे ही मैं एक मिनट LED पहले ऊपर उठा लेते हैं, यहाँ पे LED कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया। देखिए अब जैसे ही देखिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव मैं लगा रहा हूँ, जैसे बिल्कुल सीधी तार में मैं लगा रहा हूँ, देखिए ये बिल्कुल चलेगी नहीं। ये देखिए इसको मैंने लगाया और इसको लगाया, देखिए चली नहीं। अब मैं इनको क्या करूँगा, उल्ट कर रहा हूँ, रेड को इधर कर रहा हूँ मैं मेंस की तरफ, और जो पॉजिटिव है उसको मैं इधर की तरफ कर रहा हूँ। ये देखिए अब हमारा नेगेटिव इधर है पॉजिटिव उधर है, तो इसमें जैसे ही हम दे रहे हैं देखिए ये देखिए अब ये चल पड़ी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये उल्ट हो गया है, नेगेटिव लगा हुआ है और इधर क्या है पॉजिटिव लगा हुआ है, लेकिन जबकि बैटरी के ऊपर इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ये समस्या आपके पास भी आ सकती है। तो इसको सेट करने का यही तरीका है कि आपको बैटरी को बदल देना है, ये बैटरी बेकार हो चुकी है, ये चलेगी नहीं।
तो उसके बाद जो भी आपका सिस्टम है जो सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। और जितने भाई भी हमारी वीडियो देख रहे हैं यार, उतने बंदे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो बेनती है यार सभी लोग क्लिक करें यार नीचे जो बटन दिया रेड कलर का, और घंटी को भी दबाएं, ऑल पे क्लिक करें। तो थैंक यू, शुक्रिया।